विनोद जी, स्वागत है आपका। हाँ जी, नमस्कार जी। जी नमस्कार सर। हाँ जी, मेरा सवाल था मैडम। मेरी मिसेज के घुटनों में बहुत ज्यादा तकलीफ है 10 साल से। जी जी। तो डॉक्टर को दिखा रहा, पहले गंगाराम हॉस्पिटल में इलाज चल रहा था। ठीक है। तो उसमें कुछ फर्क नहीं पड़ा, और डॉक्टर ने अब दिखाया तो बोलते हैं घुटने बदलने पड़ेंगे, इसमें ग्रीस कम हो गई है। उम्र कितनी है आपकी वाइफ की? उनकी उम्र है 60 साल के करीब। ठीक है। ऐसे कैसे घुटने बदलवा देंगे सबके? आपको मैं एक नुस्खा बता रहा हूँ, आप खाली 2-3 महीने इलाज करें, उससे पहले कुछ मत करना, कोई भी ऑपरेशन मत कराना। ऐसे लाखों लोग हैं, करोड़ों लोग हैं जो ऐसे ऑपरेशन से बच चुके हैं। देखिए, घरेलू इलाज है, आप अलसी तो जानते ही हैं, आपकी पत्नी अगर बैठी हैं तो समझती होंगी अलसी क्या होती है। तिलहन में से एक चीज़ है अलसी, जो खटमल जैसी होती है, खटमल के ही रंग की होती है। ये अलसी 200-400 ग्राम खरीद लें, सस्ती आती है, और इसको बहुत हल्का सा भूनें, ज़्यादा नहीं, और इसका पाउडर बना के घर में रखें। अच्छा, एक आता है गौंसिया। देखिए, अलसी तो असली मिलती, नकली नहीं मिलती, गौंसिया नकली बहुत मिलता है, तो ये असली ले लीजिए, आपकी जिम्मेदारी है। नकली बहुत देते हैं, यानी मुझे ताज्जुब हुआ कि मैंने इंटरनेट से पर देखा कि कई लोग गौंसिया बेच रहे हैं। मैंने उसको मंगाया और देखा तो वो गौंसिया के नाम पर एलवा बेच रहे हैं। दुकानदार से पास जाओ तो वो भी एलवा दे देता है, या कोई और गौन दे देता है जो चमकता है। ये गौंसिया चमकता बिल्कुल नहीं है, और जायके में कड़वा होता है, इसे काला गौंद भी कहा जाता है। लेकिन असली लेना आपकी जिम्मेदारी। 15-16 रुपये रोज़ खर्च करिए अपनी पत्नी पर, यानी 1 ग्राम गौंसिया खरीदें और उसको 2 हिस्सों में कर लें, आधा आधा ग्राम। 1 चम्मच अलसी जो आपके किचन में होती है, उसको आपने हल्का सा भून के पाउडर बनाया है, वो 1 चम्मच, और गौंसिया इसमें आधा ग्राम मिलाइए, और इसे नाश्ते के बाद बगैर चर्बी के दूध से या पानी से खिला दीजिए, नाश्ते के बाद और रात को खाने के बाद। आपने ये 2 खुराक दी तो आपके 15-16 रुपये खर्च होंगे। आपको अगर 100 ग्राम भी गौंसिया मिल गया तो आपकी पत्नी का अच्छा होना मुमकिन है।